हेलो भाई, आप लोग को मेरा न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग एक अपडेट लेकर आया, जिसको जो कि आपको नारदीगंज टू नवादा जाने में एक नदी मिलता है धनार्जी नदी, उसका पुल टूट जाने से आना जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। अगर कोई नारदीगंज तरफ से आना चाह रहे थे, नवादा जाना चाह रहे थे, तो उनको प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा, नदी में ज़्यादा पानी होने के कारण से डायवर्सन भी काम नहीं आ रहा था, डायवर्सन के ऊपर से पानी जा रहा था। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पुल का काम कितना हुआ है और क्या अपडेट है आपको मैं यही बताने वाला हूँ, तो ब्लॉग में हमारा कंटिन्यू बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ धनार्जी नदी की ओर। तो फिलहाल मैं हूँ दोस्तों नारदीगंज, नवादा टू नारदीगंज मेन रोड में, जो कि आपको दिख पा रहा होगा। ये देखिए, जो ये हुआ नारदीगंज नवादा मेन रोड, इसी में टू लाइन का काम भी चल रहा है। तो चलिए, यहाँ टू लाइन का काम भी कैसा अपडेट है ये भी मैं बता दूंगा, और आपको नदी में जो पुल का काम चल रहा है वो भी कहाँ तक हो चुका है आपको मैं वो भी अपडेट दूंगा। तो चलिए, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए सामने एक पुल का काम चल रहा है, यही वो पुल है दोस्तों। ये देखिए साइड में जो नदी ये दिख रहा है, यही है नदी। तो चलिए, मैं आपको यहाँ का अपडेट देता हूँ कि कितना काम हो चुका है और कितना काम इस पुल का बाकी है। तो चलिए, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ये देखिए, यही हुआ धनार्जी नदी, ये रहा ये पुल। तो भाई लोग देखिए, अब मैं आप पुल के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे देखिए कुछ भैया लोग काम भी कर रहे हैं। इस पुल का प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है कुमार कंस्ट्रक्शन, और ये लगभग 6 महीने से वर्क यहाँ चल रहा है। और यहाँ देखिए कितना अपडेट वर्क हुआ है, कितना बाकी है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बैक कैमरा से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ साइड डाइवर्सन का काम चल रहा है। ये देखिए, जो साइड में बैरिकेडिंग किया जाता है, ये भी शायद 2 से 3 पिलर तक बैरिकेडिंग भी पूरा हो चुका है। और आगे देखिए, सामने जो भैया हैं 2-3 और काम कर रहे हैं, चलिए उनसे कुछ अपडेट लेते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि इस पुल को रेडी होने में कितना दिन लगेगा। ये देखिए, यहाँ पे साइड बैरिकेडिंग किया जा रहा है, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से। ये देखिए, जो हर एक पिलर है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब ढलाई बाकी रह गया है, और 2 पिलर का ढलाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पे साइड बैरिकेडिंग का काम आधा से दो पिलर है ना भैया, 2 पिलर में साइड बैरिकेडिंग का काम हो चुका है, और इस साइड जो 2 पिलर बचे हैं उसमें साइड बैरिकेडिंग का काम बाकी है। यहाँ पे देखिए मिक्सर मशीन वगैरह भी लगे हुए हैं, देखिए साइड बैरिकेडिंग के लिए इसका यूज किया जा रहा है, पिलर बना बना कर ढाल दिया जा रहा है। तो चलिए, यहाँ पे 2-3 भैया है, मैं उनसे भी कुछ बात करता हूँ और बताता हूँ कि कितना दिन में यहाँ का पुल का काम हो जाएगा और कितना टाइम लगेगा इसको कम्प्लीट होने में। ये देखिए, साइड से अगर कुछ व्यू देखा जाए इस पुल का, तो ये देखिए लगभग 6 या 7 पिलर का पुल है। ये देखिए साइड से कुछ इस टाइप का भी होता है, तो लगभग 3 पिलर तक जो है काम देखिए इसका कंप्लीट हो चुका है, और वो 2 पिलर जो बचे हैं उसका काम बाकी है। देखिए लगभग काम यहाँ पे कंप्लीट ही हो चुका है। 1 से 2 महीना में भैया लोग बोल रहे थे कि पब्लिक के लिए चालू कर दिया जाएगा इस पुल को, मतलब इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो भैया लोग कैमरा पे शायद बोलने से शर्मा रहे थे, इसलिए नहीं बोल पाए। और देखिए, ये हुआ धनार्जी नदी। और ये देखिए धनार्जी नदी अभी भी पानी जा रहा था, शायद ज़्यादा पानी जाने के कारण से यहाँ पे देखिए डायवर्सन बनाया गया था। देखिए गोला गोला आपको दिख रहा होगा, डायवर्सन बनाया गया था। ये देखिए, इस साइड अगर आप चले जाते हैं सीधे, तो ये चले जाइएगा नारदीगंज की ओर। तो मैं उस टाइम जो वीडियो बना रहा था, उस टाइम नवादा की ओर से बना रहा था। अब देखिए, मैं आपको नारदीगंज से नवादा की ओर जाने की तरफ से अगर अपडेट देता हूँ, तो नारदीगंज से नवादा की तरफ जाने वाले जो 2 पिलर हैं उसका काम नहीं हुआ है, जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा। देखिए आपको ढलाई, पिलर ढलाई हो गया, और जो जिस पे बाइक गाड़ी चलता है वो ढलाई हो गया, जो साइड का बैरिकेडिंग होता है वो ढलाई नहीं हुआ है, जो एक दूसरे को कॉन्टेक्ट करता है, मतलब जैसे क्या बोलो, ये 2 चीज़ को जैसे कॉन्टेक्ट किया जाता है उसका ढलाई नहीं हुआ, जैसा कि आप लोग यहाँ दिख रहा होगा। देखिए इसका ढलाई नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे 90% काम बोले थे यहाँ पे हो चुका है, बस साइड बैरिकेडिंग का काम बाकी है। दोस्तों, मैं अब आपको लेके चलता हूँ नवादा टू नारदीगंज रोड का अपडेट देता हूँ और बताता हूँ कि उस रोड का क्या अपडेट है, जो 2 लाइन बन रहा है उसमें कितना काम बाकी है और कहाँ तक हो चुका है। तो नवादा टू नारदीगंज अगर आप आते हो, तो लगभग यहाँ एक जो दो देखिए यहाँ पे साइड में 2 भट्टे दिख रहे होंगे, वहाँ तक 2nd लाइन का काम चल चुका है, मतलब नया बेलदारी बोला जाता है, वहाँ तक 2nd लाइन हो चुका है। अब देखिए इस पुल के बाद आगे बढ़ते हैं, तो कहाँ तक असाड़ी से आप आगे बढ़ते हो इस पुल के बाद, तो वहाँ से नारदीगंज तक का 2 लाइन का क्या अपडेट है मैं आपको वो भी देता हूँ। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या अपडेट है। जैसा कि मैंने बताया था कि नारदीगंज टू नवादा 2 लाइन का अपडेट क्या है, तो आप जैसे ही देखो इस पुल से आगे बढ़ते हो, जैसे मैं आपको बैक साइड में पुल दिखा देता हूँ,
ये देखिए वो पुल का काम चल रहा है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो रहा पुल। और यहाँ से थोड़ा सा जैसे ही 100 मीटर आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पे टू लाइन का, देखिए यहाँ से ये देखिए टू लाइन नहीं बना, जहाँ बाइक आ रहा था वो टू लाइन का बन चुका है। यहाँ तक मतलब समझिए कि सिर्फ पुल के पास छोड़ दिया गया है, तो यहाँ सिर्फ पुल के पास टू लाइन का अपडेट नहीं है। अब चलिए आगे दिखाते हैं कि कैसा रोड बना है टू लाइन। ये देखिए मैं अपना नारदीगंज टू नवादा का जो टू लाइन रोड बना है, ये देखिए मैं इसी पर चल रहा हूँ। ये देखिए ये रोड बनकर तैयार है, सिर्फ शायद साइड में जो मिट्टी का बैरिकेडिंग किया जाता है या फिर भरा जाता है उसका काम बाकी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको नारदीगंज तक जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, अगर कुछ कहीं काम हो रहा है तो आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आप लोग वहाँ से साड़ी से आगे बढ़ोगे तो आपको एक गांव मिलेगा कौवा रत। यहाँ देखिए थोड़ा रोड का काम जो है बाकी है, हो सकता है इसका काम लास्ट में किया जाता है। यहाँ पे देखिए जो टू लाइन का काम है थोड़ा बाकी है। तो चलिए आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और आपको आगे भी दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ काम हुआ है और क्या क्या काम बाकी। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है टू लाइन का। यहाँ जो पहले PCC ढलाई था वही एक ढलाई है और कुछ भी नहीं है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और नारदीगंज टू नवादा रोड का फुल अपडेट देखिए। ये देखिए आप जैसे ही कौवारा जो मार्केट है इसको क्रॉस करते हो तो आपको फिर यहाँ से टू लाइन का, ये देखिए यहाँ से आपको टू लाइन मिल जाएगा। मतलब तो जो जहाँ जहाँ कंजक्टेड एरिया है वहाँ वहाँ काम छोड़ दिया गया है। और देखिए यहाँ से लेकर नारदीगंज तक मैं जा चुका हूँ, यहाँ से नारदीगंज तक बिल्कुल रोड कम्प्लीट हो चुका है। वही चेकिंग किया जा रहा है, जैसे देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे रोड का निरीक्षण का काम चल रहा है। और देखिए आप आगे बढ़ोगे तो बिल्कुल देखिए रोड फ्रेश है। दोस्तों आई होप ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।